पहली नंबर एक, एक बार बबीता एडवेंचर ट्रिप के लिए अकेले घर से जंगल जाती है। जंगल में चलते चलते अचानक बबीता के पीछे कुछ ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। बबीता को जैसे पता चले वो आगे आगे भागने लगी, क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज उसे पकड़ ले तो बबीता भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। आगे चलते चलते बबीता को तीन रास्ते दिखते हैं। पहले रास्ते पर एक पिरामिड है जिसके अंदर ममीज हैं और वो बबीता की जान ले लेंगे। दूसरे रास्ते पर वैम्पायर कैस्टल है जो उसका खून पी सकते हैं। और तीसरे रास्ते पर हॉन्टेड हाउस है जहाँ पर हजारों भूत हैं। तो दोस्तों आप ही बताओ बबीता कौन से रास्ते पर जाएगी। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों क्या आपको पता चला बबीता कौन से रास्ते पर जाएगी? अगर नहीं तो चलिए मैं बताती हूँ। दोस्तों बबीता दूसरे रास्ते पर जाएगी, वैम्पायर कैस्टल वाला, क्योंकि अभी दिन का समय है और दिन पर वैम्पायर सो जाते हैं। पहले नंबर दो, तो सोचिए अगर आप किसी पार्टी में जाते हो और आपको वहां चार लड़के मिलते हैं और आप पांचों एक दूसरे से हैंडशेक करते हो, तो बताओ टोटल कितने हैंडशेक होंगे? आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है टोटल 10 हैंडशेक होंगे। तो आप चारों उन लड़कों से हैंडशेक करोगे, तो हुए 4 हैंडशेक। फिर पहला लड़का बाकी 3 लड़कों से हैंडशेक करेगा, क्योंकि उसने पहले ही आपसे हैंडशेक करा है, तो हुए 3 हैंडशेक। फिर दूसरा लड़का बाकी 2 लोगों से हैंडशेक करेगा, तो हुआ 2 हैंडशेक। फिर दूसरा लड़का 1 से करेगा, तो इस तरह हुए 10 हैंडशेक। आपका क्या जवाब था कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली नंबर 3, इन तीनों लेडी को ध्यान से देखिए, ये अंजलि है, ये बबीता और ये है दया। ये तीनों ही मटका लेकर खड़ी हैं। तो इन तीनों को देखकर आपको बताना है कि इनमें से किसका मटका जादुई है, अंजलि का, बबीता का या फिर दया का। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। दोस्तों इनमें से बबीता का मटका जादुई है। आप यहाँ देख सकते हो उसका मटका में हॉल है, लेकिन पानी नहीं गिर रहा। इसका मतलब है कि उसका मटका जादुई है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको आंसर जानने में कितने सेकंड लगे थे।